देख विनय, जहां तक मेरी सलाह का सवाल है तो मैं फिलहाल के लिए तुझे ये सलाह देना चाहूंगा कि अभी तो अपना पैसा लगाने के बारे में, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में मत सोच। दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है। तूने अभी अभी अपना MBA कंप्लीट किया है, तेरे पास अच्छी खासी थ्योरेटिकल नॉलेज आ गई है, राइट? तूने बिजनेस पढ़ा है, लेकिन बिजनेस करने के लिए, अपना पैसा लगाने के लिए थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि अगर तू अभी अपना पैसा लगाएगा, ये मार्केट, ये बिजनेस एक समंदर की तरह विशाल होता है। ये कितना बड़ा है, इसमें कितनी बड़ी मछलियां कितनी हैं, छोटी मछलियां कितनी हैं, इसका अंदाजा किसी को नहीं। इस समंदर का नेचर क्या है, कैसे काम करता है, इसका अंदाजा किसी को नहीं। तो तू अगर फिलहाल शुरू में 6 7 8 महीने, 1 साल किसी के साथ काम करता है, किसी बिजनेसमैन के साथ, किसी इन्वेस्टर के साथ जो काफी समय से, काफी सालों से मार्केट में काम कर रहा है और फायदा कमाता है, तो उससे तुझे प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी कि कौन सी कंपनी में पैसा डालना है, कौन सी में नहीं, कौन सी कंपनी दूर से अट्रैक्टिव लगती है लेकिन वाकई उसमें फायदा नहीं है, और कौन सी कंपनी ऐसी है जिसके बारे में लोग जानते नहीं है लेकिन वो अच्छा फायदा दे सकती है। ये सब नॉलेज तुम कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, इसके लिए तुम्हें मार्केट में उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, किसी ऐसे आदमी के साथ काम करना पड़ेगा, किसी ऐसे आदमी के साथ असिस्टेंट बनकर काम करना पड़ेगा जिसको नॉलेज है, जो करता है ये काम। डिग्री होना बहुत अच्छी बात है, थ्योरेटिकल नॉलेज की अपनी एक पावर होती है, उसका अपना एक फायदा है, बट प्रैक्टिकल का जो फायदा है वो आपको बिना किए हुए कहीं से नहीं मिल सकता, उसके आप पढ़ नहीं सकते, वो करना पड़ेगा आपको। तो फिलहाल तो मेरी ये एडवाइस है तेरे लिए। कमाएगा तो बहुत पैसा, तू समझदार है, मैं जानता हूं, और किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है वो मैं भी सलाह दे सकता हूं, लेकिन